दोस्तों, अगर आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन में भी अगर आपसे गलती से कोई ऐप्स रिमूव हो जाती हैं जो फ़ोन के साथ की ऐप्स होती हैं, या फिर कोई विडजेट्स या कोई आइकन रिमूव हो जाता है आपसे गलती से, धोखे से, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला आइकन है, इसे मैं रिमूव करता हूँ और इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये वाला भी है, मैं यहाँ से इसे रिमूव करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से अगर आपसे ये ऐप्स फ़ोन वाली या फिर जो आइकन से रिमूव हो जाते हैं तो आप इन्हें कैसे वापस लेकर आएंगे, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज, वीडियो को बिना स्किप किए देखना, बहुत छोटी सी वीडियो है। तो आपको आपके पास से कोई सा भी एंड्रॉयड मोबाइल हो, आपको सभी मोबाइल्स में मैन सेटिंग्स को ओपन करना है। मैन सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको सभी मोबाइल में देखने को आसानी से मिल जाएगा ऐप्स या ऐप्स एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन। तो यहाँ पे ऐप्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप ऐप लिस्ट में चले जाएंगे, ऐप मैनेजमेंट के अंदर जा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे सिस्टम, जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको सिस्टम लॉन्चर दिखाई दे जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैंने अभी दिखा दिया था गाइस कि यहाँ पे मेरी जो जो मैंने यहाँ पे आइकन हटाए हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं वापस कैसे आएंगे। तो देखिए, अब जैसे हम इसमें आए थे सेटिंग्स में, और जैसे सिस्टम लॉन्चर में हम आए थे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फोर्स स्टॉप करना है। तो यहाँ पे मैंने फोर्स स्टॉप कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज एंड यूजेज भी आना है गाइस, और यहाँ पे क्लियर कैसे करना है, और उसके बाद आप क्लियर डाटा भी कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, कोई भी आपके मोबाइल का इंपॉर्टेंट डाटा डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बैक करना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ सेम ऐसे ही आपको बैक करते जाना है, बैक करते जाना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपकी होम स्क्रीन है उस पर जो ऐप्स जो रिमूव हुए थे ऐप्स और आइकन सब वापस आ जाएंगे। यहाँ पे आपने देख लिया, ये मीट वाला ऑप्शन यहाँ से रिमूव किया था, और ये गूगल वाला जो सर्च बार है ये रिमूव किया था, ये वापस आ चुका है। आई होप दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे।